ये देखें जहाज, ओहो वाओ। ये हम जा रहे हैं अपने मामू के घर, तो सॉरी पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है। अच्छा अब हम एप्पल खाती हूँ हमारी सोसाइटी, तो ये हमारा सोसाइटी पूरी, और ये हमारा छोटा सा गार्डन। ये देखिए हमारी सोसाइटी में गोश्त बांटे हैं फूजी, वाओ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ के गरीब लोग हैं जो यहाँ मजदूर करते हैं, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता ही रहता है, तो यहाँ घर बनते रहते हैं, इसलिए यहाँ गरीब लोग हैं, उनको वो फूजी जो है वो गोश्त बांट रहे हैं। ये हमारी सारी सोसाइटी है, ये नेवी की सोसाइटी है। अभी ये काफ़ी हद तक डिवेलपिंग है, डिवेलप्ड नहीं है, तो ऐसे काफ़ी कुछ। मेरे भाई कह रहे हैं कि वीडियो में मैं नहीं आना चाहिए हूँ, तो अब पता नहीं आ गया है कि नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पुरसकून इलाका है, और यहाँ अभी तो जंगल ही है तकरीबन। अच्छा यहाँ ये जो इस साइड आपको दिख रहा है ना, ये जो एक बॉल है, ये डॉग सेंटर है यहाँ पर, ये उसकी दीवार है। यहाँ पर जो नेवी वालों के डॉगी होते हैं, डॉग्स वगैरह, जर्मन शेफर्ड, उनकी ट्रेनिंग होती है इधर, और यहीं से वो आगे जाते हैं। यहाँ पर सारी कंपनी है। अच्छा यहाँ रास्ते में जो है वो ये कुछ लेते हैं, हम तो इन्हें जुगी वाले कहते हैं, आप लोगों का पता नहीं। तो ये अंडे देसी और दूध लेके खड़े होते हैं, यहाँ जिसने लेना हो वो ले सकता है, पर ये जो अंडे होते हैं ये असली वाले देसी नहीं होते, ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो हम यहाँ से नहीं लेते, बहुत बार लिया है तो वो अच्छे नहीं निकले, और दूध भी नहीं होता सही। ये गोट है, ये वैसे तो ये गोट है, बलोची लोग हैं, दिखने में गरीब लगते हैं लेकिन ये अच्छे खासे ज़मीनों वाले हैं, ये सारी इनकी ज़मीन है। आगे यहाँ पे कुछ लोगों के फॉर्म भी हैं जो यहाँ पर, ये देखिए ज़मीन है, ये किसी फसल के लिए शायद तैयार की हुई है, और यहाँ हमारे बाबा का भी फॉर्म है, तो वहाँ पर वो लोग बनाते हैं बीज पनीरी वगैरह। अच्छा ये देखिए ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये सारी किसी फसल के लिए तैयार की हुई है यहाँ पर, तो ये फॉर्म यहाँ से बहुत दूर से दिखता है, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये यहाँ फौजी बैठे हुए हैं, तो यहाँ इनका अंदर कोई यूनिट वगैरह है, ये कोई चीज़ फसल उगी हुई है, और ये वो आप ये जो शर्ट वगैरह देख रहे हैं ग्रीन, ये है फार्म हाउस वो पीछे। अच्छा ये चौकी आ रही है नेवी वालों की, तो ये एंड में यहाँ चौकी पे खड़े होते हैं, बिना सिक्योरिटी के किसको अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये पता नहीं पुलिस यहाँ क्यों खड़ी है, स्नैप चेकिंग हो रही है शायद। अच्छा किंजर, यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो किंजर को जाता है, और हम रुके हैं यहाँ पेट्रोल भरवाने। ये हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम है, तो भाई खुद ही भर रहे हैं, कोई मसला हो गया शायद। अम्मी को लग रहा है छेड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता है कि जो भरना चाहे वो आके यहाँ पे भर सकता है। तो ये देखिए चेक कर लिया है भाई, तो आई थिंक हो गया है। अब हमने जो टायर में हवा थी वो परफेक्ट हो गई, ये देख रहे हैं आप, ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इतने लड़के, किंजर से आ रहे हैं,
तो किंजर जाने पे तो पाबंदी थी। अच्छा, ये जो पीछे रास्ता मैंने आपको बताया ना, ये किंजर जाता है, तो वो देखें, ये देखें पुलिस खड़ी हुई है वो। तो मना होने के बावजूद भी लोग मना नहीं होते और फिर भी किंजर जा रहे हैं। तो कराची के लोग बस इस किस्म के ही हैं। तो ये देखें गाड़ियाँ भर भर के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं वहाँ से। ये देख लें बाइक पे हैं, ये भी वहीं से आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे किंजर के लोग हैं, इंतहाई छिछोरे किस्म के। तो किस तरह इनकी ड्राइविंग का देखें, और ये नीचे जो है ये एक, ये भी पुल के नीचे सोसाइटी है लोगों की, के लिए यहाँ पे रहते हैं सिंधी लोग। यहाँ ट्रेन की पटरी गुजरती है, तो ज़्यादा तो यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरती, बहुत कम ट्रेनें हैं जो इससे गुजरती हैं रूट से आगे। ये देखें ये यहाँ के मार्केट है, और ये इलाका रात के टाइम ज़्यादा सेफ नहीं होता, तो यहाँ से जल्दी नहीं। अच्छा, अब हम आ गए हैं टूल प्लाज़ा। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश होता है, ये भी जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये किंजर से ही आ रही हैं। अच्छा, हम नेवी के हैं तो इसलिए हम जो है वो टूल टैक्स नहीं भरते, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ पर, ये देखिए बाकी लोग बेचारे देते हैं, कभी कभी हमें भी रोक लेते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है पाकिस्तान नेवी। देखा, इन्होंने हमें भी रोक लिया है। अब उसने पीछे से बताया कि ये नेवी के हैं, इसलिए अब हमें जाने दे रहे हैं। इसका मुंह देख ले कितना बुरा बन गया, इसको पैसे नहीं मिले। अथॉरिटी जो आपने सुनी होगी MDA, तो ये वो है। यहाँ पे अभी घर वगैरह नहीं बने, बाकी आप तो भी यहाँ पे अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल हैं। बट यहाँ पता नहीं क्यों डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, घर नहीं बन रहे, लोगों ने प्लॉट तो खरीदे हुए हैं। ये देखें गटर लाइन सीवरेज यानी वो हो चुका है, और आई थिंक बस वही हुआ है, बाकी अभी कोई फैसिलिटी नहीं है इतनी। लाइट की है? नहीं, मुझे नहीं लगता लाइट की है। क्यों भाई, उस दिन बता रहा था ना, छुपे लगे हुए हैं, नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये देखें छिपा। अच्छा, ये जो दिखा रहे हैं ना हम आपको यहाँ पे, ये लोग खा रहे हैं, मुझे इसकी स्मेल सूंघ के उल्टी आ रही है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और गाड़ी में मेरा दिल बहुत ख़राब होता, मुझे नहीं पसंद ये स्मेल। अच्छा, हम जा खाने, हम जा रहे हैं मलेर कैंट के पास, एक सोसाइटी है मॉडल सोसाइटी, तो कराची वाले उसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये बुकिंग ऑफिस है, ये किसका है, ये मुझे जेन से निकल गया है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे PIA की, एयरफोर्स वालों की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, यानी देखा आपने MDA की भी है, पीछे रेलवे की भी थी जहाँ पर मैंने आपको पटरी दिखाई थी, उसके बिल्कुल सामने रोड के दूसरी तरफ उसकी रेलवे की है। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यूएबल जगह है, बट अभी इतनी डेवलप नहीं हुई। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, अच्छा ये जो आपको दूर घर नज़र आ रहे हैं, ये है सुमारगोट। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सस्ते घर हैं, पर कहते हैं कि ये अभी जगह जो है वो इतनी लीगल नहीं है, इसकी फाइल्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर घर सस्ते तो हैं और हमारे रिलेटिव्स कुछ रहते हैं, मगर इतनी ज़्यादा लीगल नहीं है, ये थोड़ा इशू है, तो इस वजह से हम लोग निकले थे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है बहुत बड़ा, 100 बेड का शायद। अच्छा, तो आगे ये शुरू हो गई है हदीद की लाइन शुरू हो रही है। गुलशन हदीद आपने नाम सुना होगा, ये कराची में ही है, मतलब बिन कासिम टाउन के करीब है। तो हम कराची से, शहर से
सेंटर से काफ़ी दूर रहते हैं। अच्छा, ये हदीद का मेन है। अच्छा, इस रोड पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट आते हैं। कभी आप यहाँ से गुजर रहे हों तो मैं आपको बता दूँ कि अगर खाना खाना चाहें तो मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। वैसे हमने तो फैमिली ने तो बहुत ही एक दो ट्राई किए हैं, पर ज़्यादा भाई हैं, लड़के हैं तो वो घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी जैतून गुजरा है तो उसकी फूड जो है, टेस्ट जो है वो बस नॉर्मल सा ही है। इतने में जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है वो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे खाना या टेस्ट आपको अच्छा मिले। अब ये देख लीजिए, गरीब लोग हैं, ये अपना घर बना के बैठ गए हैं बेचारे, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ये आ गया है चमन आइसक्रीम, ये अभी दो तीन दिन पहले खुला है। अच्छा, ये है दिया, पीछे गुजरा है, ये कुछ अच्छा टेस्ट है इसका, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। आगे एक आएगा हाईवे, उसका हमने लास्ट आउटिंग की थी तो काफ़ी अच्छा था। बैंकुट्स भी हैं, शादी वगैरह हॉल है, ये एक इस तरफ है और ये जो केक है ये इस तरफ है। तो ये अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। अब कोरोना की वजह से तो इनके कारोबार का बहुत ही बुरा हाल हो गया, चल नहीं रहे। ये आपका जब, तो ये आ गया हमारा हदीद की मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप हदीद जाओ, यहाँ आगे बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, मार्ट भी हैं, तो आपने ग्रॉसरी वगैरह करनी हो तो आप यहाँ। ये देख रहे हैं ना, सारे लोग ये जा रहे हैं किंजर, तो पता नहीं मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो मना है तो ये कैसे जा रहे हैं। पीछे की वॉइस को आप ज़रा थोड़ा इग्नोर कर देना, सॉरी। पर हॉस्पिटल है पाकिस्तान स्टील मिल का, तो वो हॉस्पिटल जो है वो 100 बेड है, ये उसकी बाउंड्री। एक ज़माने में ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बट जैसे ही स्टील मिल के हालात आप खबरों में सुनते रहते होंगे न्यूज़ में, तो बहुत ही बुरे हो गए। ये आप एरिया देख रहे हैं, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, मतलब बहुत बड़ी जगह है इस हॉस्पिटल के पास। अच्छा, यहाँ पे एक चर्च भी है, तो मुझे बहुत शौक है जाके देख के आने का अंदर से, पर कभी मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। वो देख रहे हैं, वो है चर्च की बिल्डिंग है जो ब्राउन है, ये चर्च है, यानी टेम्पल है इनका। उसके अलावा यहाँ पर बस स्टॉप है, स्टील मिल की बसेज जो हैं वर्कर्स वगैरह की, वो यहीं खड़ी होती हैं। तो ये यहाँ पर अभी आएगा, ये कायद आजम पार्क है, ठीक है, ये स्टील टाउन की एंट्रेंस है, यहाँ से आप स्टील टाउन में एंटर हो सकते हो। ये कायद आजम पार्क है, यहाँ पे रश है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि यहाँ पे अंदर झील भी बनाई हुई है और काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं। अच्छा बना हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बट वो आपको पता ना आजकल पार्क में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती, इसकी वजह से माहौल को बुरा समझा जाता है। मैं क्या बताऊँ, समझ सकते हैं आप लोग, नहीं इस वजह से हम लोग तो कभी नहीं आए शादी। हाँ अच्छा, यहाँ पे शादियाँ भी लोग करते हैं, तो उस वजह से हम यहाँ आए हुए हैं, दो तीन दफ़ा हम आए हैं कि यहाँ पे शादी कर लेते हैं लोग, तो फिर उसका काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है शादी का, इसलिए लोग यहाँ पर काफ़ी शादियाँ करवाते हैं। और बहुत बड़ा एरिया भी मिल जाता है क्योंकि इधर है पार्क। ये मैं आपको राउंड अबाउट दिखा रही हूँ, ये बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं पर होते हैं। और ये बारिश का पानी खड़ा है रोड पे, कोई तमीज़दार कोई सिवरेज का है, अच्छा बारिश का नहीं है, लाइन कहाँ से फट गई, अच्छा लाइन फटी हुई अभी बारिश का नहीं। अंकल बाइक ही धो रहे थे अपनी, पानी मिल गया था उनको, तो मैंने कहा बाइक धो ले। सही है भाई, अच्छा ये हमारा जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा ही है, घंटा तो लग ही जाता है हमें, तो रास्ते में कुछ इसी किस्म की जगह आएंगी। अब जब मैं थोड़ा, तो रास्ते तो यहाँ पे इसी किस्म के हैं, जो ख़ास ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग घरों से ठट्ठा से या बाहर कहीं से इधर एंटर हो तो आप लोगों को पता हो कि अगर आपने खाना खाना है तो कौन सा रेस्टोरेंट है आप खाना खा सकते हैं। अच्छा अगर आप पीछे से आएँ ज़्यादा थे, मैं आपको बताऊँ वहाँ उस हमारे सोसाइटी से भी पीछे अगर आप चले जाएँ या आगे चले जाएँ तो वहाँ पे आपको अल हबीब मिलेगा, कैफ़े इमरान मिलेगा, ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ आप जाओ खाना खाओ फैमिली के साथ, बहुत अच्छी जगह। हाँ ज़्यादा मैं जो पसंद करती हूँ वो अल हबीब है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वो जगह बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत भी है, बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है, अगर आपको इवेंट भी अरेंज कराओ वहाँ तो बहुत खूबसूरत है। ये शोरूम है, हमारा जो मैंने बताया था ना हमारा 1.5 घंटे का सफ़र है, तो मैं अभी थोड़ा जब करीब पहुंच जाऊंगी तो फिर आप ये देखेंगे कितना अच्छा बना हुआ था।
बहुत सारे शोरूम्स आते हैं। ये साइड पे भी आ रहा है, ये आ रहा है टोयोटा का, होंडा का भी है। ये सारी बिन कसम की कॉलोनी बनी हुई है, बिन कसम का जो है ना, ये एक नई सोसाइटी बनी है बिन कसम टाउन, बिन कसम के नाम से। बहुत प्यारे घर बने हैं, 300 yards में है ये घर। ये क्या है भाई, तो मैंने मैच करके कुछ पहना है आज, तो मैंने कहा दिखा दूँ। आगे आ रहे हैं MDA के फ्लैट्स, फिर से आ रहे हैं आगे। ये जो सामने है तो आगे गुल अहमद भी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं बेचारे जॉब्स के लिए मिलती, पर यही है कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो। ये शायद बेचने के लिए नर्सरी है, नर्सरी है यहाँ पे, उन्होंने वो बनाए हुए एनिमल्स, आप अपने पार्क वगैरह में ग्राउंड में। फास्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं, हमने देखा है पंजाब में से बहुत आते हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ने फास्ट यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर करीब करीब फ्लैट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे एक सोसाइटी है, क्या नाम है उसका, शाह टाउन है, और ग्रीन क्या नाम है, बेंजीर कॉलोनी भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये है डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर, लाए यहाँ किसी को ना लाए। अच्छा ये सारे इनके हैं अंदर। अच्छा जब हम पढ़ते थे तो हमारा यहाँ विज़िट हुआ था, जिसमें मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं तब यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी थी, तो मैं नहीं आ सकी थी। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी ग्रुप आया था यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट जेल में उनका कोई प्रोजेक्ट था और प्रेजेंटेशन थी जिसके लिए वो लोग आए थे, तो भर्तियाँ भी जिसमें यहाँ कोर्ट भी आता है, मलीर कोर्ट आगे आएगा वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक पॉलीमर्स, ये देखिए ये सारे कपड़े, ये कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये पॉपुलर यहाँ पे जो है वो कम रेट्स में आपको मिलते हैं, यानी सेल वगैरह में। तो अभी यहाँ आई थी, ये आ गए बाप, ये मेनजी फोटो, ये है मेनजी फोटो कॉलोनी, सिंधी ही इधर ले सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं मिलते किसी को भी घर यहाँ पर। हाँ ये गलत बात है, फैमिलीज को अलाउ करते हैं क्योंकि ये कॉलोनी बेंजीर उसके नाम पे। अच्छा ये आ गई है गुल अहमद, गुल अहमद आ गई है जी यहाँ पर, ये सॉरी क्या है ये, अच्छा गुल अहमद आ गया। अच्छा ये लेकिन ये दोनों एक ही जैसी बनी हुई हैं, नहीं कॉर्नर तो एक ही जैसे बनी, सॉरी एक जैसी हुई है, तो हमने आपको गलत कह दिया। क्या हो गया, हमने गलत कह दिया, कौन सा किसी ने हमारे कहने पर जाना था, उतने कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा ये है बड़ी है, दो ब्लॉक्स हैं इसके, तो अच्छे का सोना चल कर। ये बना है गोल्डन पर्ल फूड्स, मसाले हैं इनकी। फूड हमने सर्च की थी तो कुछ समझ में नहीं आई कि इनकी फूड है क्या, पता नहीं क्या है, वो पैक फूड है और कोई जानवर वानवरों की लगती है, हमें तो इंसानों की वाली तो नहीं लगती। खैर किसको पता हो तो बता दें हमें भी। ये जेफको प्लाजा, तो ये भी बिल्डिंग्स यहाँ पे अभी बनी नहीं है, बन रही हैं। यहाँ साइड्स पे नर्सरीज हैं बहुत सारी। ये है जिवनी, यहाँ का मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है, मैंने दोबारा कभी नहीं खाया, सिर्फ एक दफ़ा खाया था, तो यहाँ का फ्राइड राइस बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पे हाफिज़ आती होती थी, वो गुजर गई नीचे आती है लेकिन। अच्छा यहाँ हाफिज़ बेकर्स हैं, वो भी बहुत अच्छी उनकी सोर्स होती है, आने जाने में यहीं से ले लेते हैं। तो और भी है यहाँ पे, हाफिज़ है, जन्नत भी है, जन्नत भी अच्छी है, जन्नत के भी अच्छे होते हैं। तो ये हम हैं ब्रिज के ऊपर, कायदाबाद का ब्रिज है ये। ये आ गए हैं
करीबन यहाँ से अब हम टर्न लेंगे और अंदर चले जाएंगे। तो पता नहीं मेरे बंदे भी याद नहीं है। ये देखिए ये ब्रिज बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, इसको कलर भी अच्छा किया हुआ है। ये बनाया है भाई आगा स्टील, आगा स्टील का सीमेंट इसमें सॉरी सरिया जो है वो स्टील यूज हुआ है। ये है राउंड, यहाँ से हम जो है वो टर्न ले लेंगे। पेपर्स लिमिटेड, तो क्या लेके जाएंगे? ये था अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी आता है शायद। ये रहा उसका वकार का सैलून, इस तरफ आ गया है वकार नाम है, याद आ गया। ये गंदगी देखो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि कितनी इंपॉर्टेंट जगह है ये देखो मैंगोज ये यहाँ पे हैं, बहुत सारी नर्सरीज। यहाँ इस साइड भी नर्सरीज हैं, तो यहाँ पे साइड पे आएगा हमारे लेफ्ट पे एयरपोर्ट। यहाँ के लोग जो हैं वो रहने वाले बहुत, देखो ये स्विमिंग पूल यार हमारे पास कितना मज़ा है। मेरे जैसे भी इसमें दोस्त लेके चले, चार लेके चले, मुझे बड़ा शौक है। ये कितने मैंगो हम लेंगे भाई, ये भी हम खरीदेंगे मैंगो। ये मैरिज लॉन है, डेफोडिल्स इंग्लिश का चैप्टर डेफिनेटली। अच्छा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, सेकंड वाइफ नाम है, पिज़्ज़ा मिक्स। अच्छा पिज़्ज़ा मिक्स का पिज़्ज़ा हमें बहुत पसंद है, तो अच्छा भी बहुत होता है, खाइएगा ज़रूर। टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, खासकर अफगानी बहुत टेस्टी होता है। या फिर रनवे सेकंड वाइफ आएगा या गुजर गया पता नहीं मुझे। कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा का भी अच्छा है, पर इनका जो क्रस्ट है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। छोटा तो स्मॉल पिज़्ज़ा कभी ना लो, उसमें सारी ब्रेड ही आपको मिलेगी। ये स्मार्ट स्कूल और ये है कसरत जन्नत एस्पायर्स क्रामर स्कूल। ये क्या विंडोज बनाई है अरे टेढ़ी टेढ़ी, वाह। जिनसोए कितना गंदा खाना है इसका, मैंने खाया जिनसोए का खाना बहुत ही गंदा है। ये चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर खाना जो है बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता। खैर मुझे तो नहीं अच्छा लगा, बाकी पता नहीं। आ गए हैं हम कैंट, कैंट ये कौन सी है चेक पोस्ट बन रही है। ये देखिए ये टैंक बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे बच्चे तस्वीरें बनाते हैं, ये देखिए बना ही रहे हैं। करीबन पहुँच गए हैं, ये भी मॉडल ही है भाई, हाँ इस तरह मॉडल कर ये। अच्छा ये तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े घर बनाए हुए इन्होंने, ये मॉडल ही है। वाओ पेंटिंग्स कितनी प्यारी बीच बीच में इन्होंने बनाई हैं, खूबसूरत। इन सारों पे बनाते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। प्यारा बनाया है इन्होंने, ये देखो हेलीकॉप्टर। अच्छा ये मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं बीच बीच में, ज़्यादा इतनी बड़ी बॉल है टाइम लगता है। ये शायद फ्री में कोई पेंटिंग करता है। जवानों को मेरिया शहर दे, पढ़ा नहीं गया उनसे गुजर गया। करते हैं गुलामों को गुलाम पे रजा मन, तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना। ओहो सजदा है आज भी हो जो इब्राहिम। अच्छे कोटेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे उर्दू इंग्लिश दोनों में, जिसको जो आता है उसमें पढ़ ले। ये आगे हैं मैरिज बैंक्वेट्स वगैरह। अच्छा ये बस अभी हम यहाँ से टर्न लेंगे। ये देखें से जा सकते हैं अंदर, पर हमने इधर नहीं जाना, हमने इधर जाना है। प्यारी पेंटिंग कर रहा है कोई, पता नहीं कौन ये इतना अच्छा नेक काम कर रहा है पेंटिंग्स बनाने वाला। अब हम लेंगे टर्न ये सेवन अप से, ये हम मुड़ गए। अच्छा अब
बेचने वाले हैं, तो बस आ ही गया है मामू का घर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे घर, ये है मॉडल, सही है। तो कुछ घर बहुत बड़े भी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ प्यारे हैं, कुछ नहीं हैं। हम पहुँच गए हैं, चलो वो बेल दो ना। इतनी ज्यादा गर्मी है, अम्मी गाड़ी से नहीं निकल रही। तो यहाँ पे देखिए, ये पीछे घर है, बनी मामू हमारे उतर नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो अभी हम देखते हैं। कहाँ से बोल, ये चाबी फेंकी है उन्होंने। तो अभी हमें खोलना पड़ेगा, आ ली होनी है दूसरी। हाँ आप खोलो, चलो खुल गया। यहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं, ये अम्मी को चढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। हम पहुँच गए, ये पीछे घर है। अली खोलो भाई, ये लॉक है, हमें निकालो। अस्सलाम वालेकुम। मानू, नोनी ने सख्ती की थी परसों पेपर। अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई, वैक्सीन नहीं कराई? नहीं। आपने कराई है? आप प्रेग्नेंट भी हैं? मेज निकालो। अस्सलाम वालेकुम। मानू, नोनी ने सख्ती की थी परसों पेपर। अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई, वैक्सीन नहीं कराई? नहीं। आपने कराई है? आप प्रेग्नेंट भी हैं? मेरे भाई भी कभी कभार छेड़ते हैं, अली पिंपल लगवा रहे हैं, तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, हम बुरी बात होती है, हम तो सिर्फ मुंह को ले रहे हैं अली के। अली यार, सोशल मीडिया का दौर है, फाफा पड़ो के किसी के हाथ से मेरे बच्चे की इज्जत ही नहीं रहेगी। यहाँ का चोट लगवा ली यार, क्या करते हो? क्या ये कुछ काटा है? नहीं। हम पहना रहे अली को मास्क, और बहुत बड़ा है अली को। अली को शौक हो रहा था मास्क पहनने का। मानो बिल्ली लग रहा है अली, बिल्कुल मानो बिल्ली लग रहा है। ये मैं और अली, अली हाय करो, कपड़ा हाय। अली की पजल कहाँ चली गई? अली बुक्स दिखाएं, चलो पजल लगाएं। अली भाई पजल भी बनाता है बहुत अच्छा। ये देखिए, ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं अली के पास स्टडी के लिहाज से, और अली बहुत ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह। अली सबकी साउंड सुनाए, अली को भाई सब यूज़ करना भी। अली के साथ थोड़ी मस्ती, अली ओ अली को नहीं पता जी क्या हो गया अली के साथ।
देती हूँ। तो आज मैंने आना है ना मुझे, मैंने कौन सा इनके घर जाने, ये लगा के दिखाएं। अली ने फोन देख लिया है और बस अब ये कितना प्यारी लग रही है। ये सब एनिमल्स हैं और इनके साउंड्स। अली ये क्या है? क्रोकोडाइल। वेरी गुड। ये देखिए इसको पता है कि ये वाला है। और ये स्नेक, ये स्नेक के साउंड, स्नेक के साउंड कैसे अली? तो ये यहाँ से ली, यहाँ से इधर है इसका कैमरा, ये वाला तो अली के लिए कब भेजा था जब पैदा हुआ। हम वापस जा रहे हैं तो अली जो है मामू का बेटा वो जिद कर रहा है हमारे साथ आने की। ये देखिए भाई, ये देखिए बहुत खुश हैं। हाँ भाई अली, अली मज़ा आ रहा है? अली जिद करके हमारे साथ आ गया है और अब हम वापस जा रहे हैं। ये कितने रखन दी ना, रश हो रहा है तो अली भी यहीं आए हैं इंजॉय करने। कैसे किए? चलो आपके बाबा आगे लेंगे आपको, चलो बहुत बढ़िया है, बहुत भाई ने कैसे किया? बाय बाय तुझसे। अली रो गया। चलो जाओ, नहीं जाना, नहीं जाना अली, कल तुझे फिलाओगे तो जाएगा ना वो, तुझे मेरे वहाँ टेल कर दिया। ओह केंद्र साड़ी मिनु ले ले। चलो जा बाय अली। हाय। लौट लगे। ओए जहाज, जहाज सुमी, जहाज देखो, ये देखें जहाज। ओहो वाओ, तक भी नहीं करोड़ा दा होना होना ये पता नहीं कौन सी साइड है। यहाँ देखें तो यहाँ पीछे महरोज ब्यूटी पार्लर भी है। ये है मिली, ये सारा मॉडल है, बैक साइड मॉडल की बैक साइड मॉडल कॉलोनी। तो ये पीछे पीछे कोई भी रास्ता निकलता ही होगा। हाँ, बहुत निकलते हैं लेकिन अंदर से नहीं आते ना। क्यों? फेज है ना बीच में इनके। इजाज़त नहीं है क्या? नहीं ना, रोड अलग अलग निकाले हैं इन्होंने। ये निहाल अस्पताल जहाँ निहाल हो जाएंगे आप। ज़्यादा रोज़ जाने ज़्यादा से तो मेरे मम्मी को की खुशबू आई है गाड़ी में। हाँ बहुत प्यारी खुशबू। अच्छा
आज आपको भाई मैंगो केक खरीदने का बताएंगे नया तरीका। नया तरीका नहीं, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आप इतने हीरो नहीं हैं ना। हम असल में ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर मैंने आगे मैं ज़्यादा ही कुछ ये कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो में आ गए तो बस आज हम आपको अपने भाई का थोड़ा सा चेहरा दिखाने शादी करनी है। हाँ अब इसकी भी हमने शादी करनी है, कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। बस फिर अल्लाह नसीब अच्छे करे लड़कियों के भी लड़कों के भी। अच्छा ये अभी आएगी ना ऑफिस सोच। हाँ अभी मैं देखो इस साइड से आएगी। अब हम नीचे से गुजरेंगे पुल के ब्रिज के, वैसे दिखाई देंगे। तो ये वही वाला होटल आ गया है दोबारा से। अब ये यहाँ से सही दिखाई दे रहा है। वैसे उन्होंने खिड़कियाँ कितनी प्यारी बनाई थी ना, टेढ़ी यूनिक सा था। पहली दफ़ा मैंने ऐसे देखा इंग्लिश काम करने की कोशिश, अंग्रेज बनने की कोशिश की हुई भाई। कायदे में तो फूड सस्ता मिलता है ना। सफाइयाँ हो रही हैं ईद के बाद, लोगों को तमीज़ नहीं है, उन्होंने जगह जगह अपनी जो ये फेंकी है, अपनी नहीं फेंकी हुई, जानवरों की फेंकी हुई है। ये है हाफिज स्ट्रीट। अच्छा ये पीछे ये हाफिज थी और ये है जन्नत। इसका भी वैसे मैंने केक हमने लिया था, बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, उसका भी बहुत अच्छा था। अम्मी का कहना है कि जो कच्चे के ढेर से चर्बी जमा हो रही है इसका ऑयल बनेगा और उसी में लोगों को बाहर जो फ्राई हुई चीज़ें मिलती हैं वो उसी में मिलेंगी। है अम्मी बताएं हाँ थोड़ा ऊंचा बोले तेरी नहीं शर्मा गई पगली। एक्चुअली सब थोड़े शाये ये रिक्शे वाला बड़ा खुश हो रहा है उसकी वीडियो बना रही। असल में मसला ये हो गया कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली थी और वो जो लाइट है मेरे फोन की वो चल रही थी, तो अब जिसको नहीं भी पता लगना उसे भी पता लग रहा है कि वीडियो बन रही है। अब हम आ चुके हैं घर, पहुंचने वाले हैं, बस अभी हम टर्न लेंगे। जो जोश जाते हुए होता है वो आते हुए नहीं है। ये जा रहे हैं, हमारा हाल ही बुरा है। ये अगर हमने बारबेक्यू किया तो हमें कोई शायद यहाँ ले आए, क्योंकि उम्मीद नहीं है कोई मिला। आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी कितनी प्यारी है, देखें बी पीस पीस फुल और साफ सुथरी। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी उड़ते हम करीब से देखेंगे। ये थोड़ी देर जोर गुजार लेनी थी, औरतें भी नहीं दिखी गई हमसे। स्वादियों बहुत हेल्प करवा देंगे कल के मुझे छः सौ नहीं है चौ दफा हो गई मौसम। अच्छा अब हम जो है वो वापस घर आ गए हैं, तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। अगर आप भी कहीं जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाना, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे ये एक अगले व्लॉग में, ये मेरा पहला व्लॉग था, तो ज़रूर लाइक करो। आप फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।